फीसदी कंपनी के आय के अंदर एक बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है इस तिमाही में। ऑपरेटिंग मुनाफा 70 करोड़ से बढ़कर 94 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर कंपनी पोस्ट करेगी। करीब 24 करोड़ का ऑपरेटिंग मुनाफा बढ़ने का अनुमान है। सीक्वेंशियली एक रोबस्ट साइड पे नंबर कंपनी के अनुमान लगाए जा रहे हैं। मार्जिन 18.5% से 23.5% इस तिमाही में रहेंगे। 5.5% का मार्जिन में एक जंप होगा और सबसे इंटरेस्टिंग मुनाफा करीब 50 करोड़ से बढ़कर 67 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर कंपनी मुनाफा पोस्ट करेगी। यानी 34-35% का एक जंप मुनाफे में भी देखने को मिल सकता है। 6% मार्जिन इंप्रूवमेंट की बात कई ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है और ये तब है जबकि वेज हाइक कंपनी ने किया इस तिमाही में उसके बावजूद, क्योंकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी इनकी बेटर है और साथ साथ कई ऐसे हाई मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने एग्जीक्यूट किए हैं जिसकी वजह से एक अच्छे नंबर आने की उम्मीद लगाई जा रही है। मीडिया कम्युनिकेशन इनका सबसे बड़ा वर्टिकल, वहां से अच्छे नंबर आ सकते हैं। यूटिलाइजेशन इंप्रूव होंगे उसका इंपैक्ट रहेगा। JLR के नंबर में कुछ अपटिक्स आए हैं तो उतना बड़ा डैमेज वहां से नहीं आएगा तो वो कुछ हद तक इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करा सकता है। और उसके अलावा YOY बेसिस पे नंबर थोड़े से वीक बोल रहे हैं क्योंकि हाई बेस का एक इंपैक्ट है, लेकिन अदरवाइज सीक्वेंशियली दूसरा क्वार्टर होगा जबकि एक रिवाइवल जैसे साइन यहां पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं तो आप नजर रख सकते हैं। हो सकता है यहां पर भी कुछ एंटीसिपेटरी बाइंग जो है टाटा एल्क्सआई में आते हुए दिखाई पड़े। तो 1000 के